तो हेलो गाइस, आप सभी देखना गाइस, मेरा भी जो फोन पे का बैलेंस है ना, वो अचानक से जीरो करने लगा गाइस। आप सभी देखना, जीरो शो कर रहा है गाइस। आप सभी को बता दूं गाइस, ये मेरा नहीं है गाइस, मेरे फ्रेंड का अकाउंट है जिसमें अचानक से जीरो शो करने लगा गाइस, जो बैलेंस था बैंक का। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये आपका भी इसी तरीके से जीरो शो कर रहा है। तो दोस्तों, आपको डरने की बात नहीं है, मैं जो तरीका बताऊंगा ना, उस तरीके को फॉलो करिए। आपका जो भी पैसा है, जितना भी पैसा है, वो सारा का सारा सेफ है और दोस्तों आप सभी को मिल भी जाएगा, यदि आप सभी ने ये गलतियां नहीं की होंगी। वो सारी गलतियां मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप सभी वीडियो को स्किप कर दोगे तो दोस्तों आपका जो पैसा है ना, वो आप सभी का कहीं भी जा सकता है, खो भी सकता है, आपको कभी भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करना, मैं आपको जेन्युइन तरीका बताऊंगा, आप सभी उसे फॉलो कर लेना। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस अपने से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मिलता है सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करो, बेल आइकन घंटी पर ऑल पर हिट कर लो, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका बैलेंस अचानक से जीरो शो कर रहा है, जैसे कि आपके में 5000 रुपए थे या फिर 10000 रुपए, तो दोस्तों ये जो बैलेंस है ना, वो जीरो शो करने लगा अचानक से। तो दोस्तों, आप सभी पहले तो अपना फोन पे ना अकाउंट ना गाइस, उसका दोस्तों हिस्ट्री जाके चेक करो गाइस। हिस्ट्री पे जाके क्लिक चेक करोगे तो दोस्तों आपसे भी ना, आपका कोई भी ट्रांजेक्शन शो नहीं करना चाहिए। ट्रांजेक्शन कहीं कर दिया होगा तो दोस्तों वो पैसा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, लेकिन दोस्तों यदि आप सभी ने नहीं किया होगा तो दोस्तों आपका पैसा ना वो सेफ रखा होगा। दोस्तों समझ लो ना, वो कहाँ रखा है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ आप सभी को बताता हूँ कि आपका पैसा कटा तो नहीं है। यदि आपका पैसा किसी ने चोरी किया है या फिर दोस्तों आपका पैसा जो है ना किसी ने ट्रांसफर कर लिया या फिर दोस्तों आपके अकाउंट को हैक कर लिया, तो दोस्तों उसका तरीका है आप सभी हिस्ट्री जाके चेक करिए, जो भी आप सभी का जो अकाउंट है ना, जैसे कि दोस्तों मेरा SBI में ये शो कर रहा है, तो दोस्तों मैंने यूनो SBI पे जाके चेक किया तो दोस्तों वो हमें कोई भी ट्रांजेक्शन शो नहीं कर रहा था, कोई भी ट्रांजेक्शन। और दोस्तों मेरे फोन पे पर भी दोस्तों कोई भी ट्रांजेक्शन शो नहीं कर रहा था, एक रुपए भी नहीं कटा हुआ। तो दोस्तों ये पैसा गया कहां, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस आपका जो अकाउंट है ना, कभी कभी होल्ड कर दिया जाता है गाइस, चाहे कोई भी बैंक से होल्ड सभी का होता है, लेकिन ज्यादातर SBI का होल्ड कर दिया जाता है। होल्ड का मतलब ये होता है कि दोस्तों आपका जो पैसा है ना, वो आपके किसी न किसी गलत, या फिर दोस्तों आप जैसे किसी बैटिंग एप्लीकेशन से आया, या फिर दोस्तों किसी गलत वे से आपका पैसा आया है, तो दोस्तों आपका जो बैलेंस है ना, वो होल्ड कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपसे बता दूं, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि दोस्तों आपके KYC है ना, आपके अकाउंट की KYC रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड आपसे अपडेट नहीं किया अपने बैंक अकाउंट के साथ, और दोस्तों या फिर दोस्तों आपका जो अकाउंट है ना वो जीरो बैलेंस है, या फिर दोस्तों उसे अपडेट नहीं किया आप सभी ने, या फिर दोस्तों काफी पुराना अकाउंट है जिसकी आप सभी को KYC करनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों आप सभी ने KYC नहीं किया है, तो दोस्तों आपका अकाउंट है ना वो होल्ड कर दिया जाएगा। जो अकाउंट होल्ड होता है उसका दोस्तों, जैसे कि आपको दो तरीके से होल्ड किया जाता है, टेम्पररी एक परमानेंटली, तो दोस्तों टेम्पररी जब होल्ड होता है ना, तो दोस्तों आपका जो पैसा है ना वो आपको शो नहीं करता। जैसे परमानेंटली होल्ड किया जाता है तो दोस्तों आपका पैसा तो शो करेगा, लेकिन दोस्तों आपसे उस पैसे को निकाल नहीं पाओगे, कहीं भेज नहीं पाओगे। लेकिन जो टेम्पररी होता है ना, उसमें को पैसा शो करना ही बंद कर देता है और 5 से 7 दिन के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाती है। आप सभी अपनी KYC को ना वो कंप्लीट कर देते हैं, जैसे कि बैंक के पास जाओगे, फिर दोस्तों बैंक आपको बताएगी, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, अदरवाइज जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स देने के बोलेगा ना, वो डॉक्यूमेंट्स देके आप सभी अपनी KYC सबमिट करिए, आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी। आपको डरने की कोई बात नहीं गाइस, ये मैं 100% बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी ना, फिर दोस्तों मैंने सॉल्व भी कर दी और दोस्तों आपसे ना मेरे जो अमाउंट है ना वो ऑटोमेटिक यहाँ ऐड हो गया, आप सभी देख सकते हो। तो गाइस, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सभी सॉल्व कर सकते हो, आप डरो मत बिल्कुल भी, आपका पैसा सेफ है। आप सबको जाके सिर्फ ट्रांजेक्शन पहले चेक कर लेना है कि हमारा पैसा है वो ट्रांजेक्शन के माध्यम से कहीं से ट्रांसफर तो नहीं किया गया, रिचार्ज तो नहीं किया, मतलब कुछ भी किया तो नहीं गया, तो दोस्तों आप सभी जाके चेकआउट कर लेना पहले। यदि आपसे कुछ शो नहीं कर रहा है तो दोस्तों आपका पैसा सेफ है, आप सभी टेंशन मत करो, बैंक में जाओ, जाके KYC कर दो, आपका पैसा आपसे के पास आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना, आपसे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल फर्स्ट टाइम वीडियो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑल पर हिट कर ले, तो इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपसे पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।